दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में माही एंड लवली मोम। दोस्तों, सुबह का टाइम है और मैंने नहा लिया है। आज मैंने बाल भी धो लिए हैं क्योंकि मेहंदी लगाऊंगी। और अभी मैं बहुत दिन से आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। मेरा भाई आया हुआ था तो हम मार्केट वगैरह जाने में बहुत बिजी हो गए थे, तो इसलिए वीडियो बना ही नहीं पाई थी। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने आज न्यू टी शर्ट पहनी है। ये स्वीट टच की टी शर्ट है, मैं लेके आई थी मार्केट से, और ये काफ़ी अच्छी है। इसकी दो टी शर्ट लेके आई थी, एक मैंने पहन ली है, वॉश भी कर ली है, कुछ भी नहीं हुआ उसका, कलर वगैरह कुछ भी नहीं निकला, बहुत अच्छी है। ये भी अच्छी है। मुझे थोड़ी ढीली टी शर्ट ही पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा लूज लूज लाई हूँ। देखिए ऐसी लग रही है। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैंने नाश्ते में बनाए थे छोले पूरी और माही पूरी, लगी थी आज लंच में। और अब मैं बना रही हूँ छोले के साथ चावल, क्योंकि मुझे छोले के साथ ना चावल बहुत पसंद है, इसलिए अब मैं चावल बना रही हूँ। मैं अपने भाई के साथ मार्केट भी गई थी तो मैं ये लेके आई थी, देखिए बैंगल बॉक्स। दोस्तों ये है ना चार वाला है, तो इसमें ना काफ़ी बैंगल्स आ जाएंगे। और यहाँ पर जो जयपुर का मार्केट है ना काफ़ी सस्ता है, तो ये मुझे मिला था 140 रुपीज़ में, और ये काफ़ी अच्छा है। बार्गेनिंग का नहीं था, वहाँ पर फिक्स प्राइस था, पर ये चीज़ अच्छी है और मुझे रिजनेबली रेट लगा तो मैं लेके आई हूँ। अब मैं इसमें सारे बैंगल्स सेट कर दूँगी, इधर उधर फेंकने पड़ते हैं, तो इस पर डाल दूँगी मैं सारी चूड़ियाँ अपनी। तो ये देखो मैंने चूड़ियाँ कैसे कैसे रखी हुई थी अलग छोटे छोटे डब्बों में, इसलिए मैं बॉक्स लेके आई थी। एक ये बॉक्स ना मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, अभी मैं दूसरा नया बॉक्स लाई हूँ। ये देखिए, ये ना पूरा डब्बा ख़राब हो गया था सीलन की वजह से, और इसमें भी चूड़ियाँ हैं। अब इनको कर लेते हैं सेट। इसमें भी हैं चूड़ियाँ, इसमें भी हैं चूड़ियाँ, तो सारी चूड़ियों को कर लेते हैं सेट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है सेट करने से। ये देखिए इसमें डाल लेती हूँ मैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाल दिया। इसमें ये कांच की चूड़ियाँ हैं, ये मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे में रखी थी कि नहीं टूटेंगी करके, फिर भी निकालते टाइम वो डब्बा मेरे हाथ से गिर गया और सारी चूड़ियाँ टूट गई। अब थोड़ी सी बची हैं। ये मैंने मीशो से काफ़ी अच्छा 12 दर्जन मंगाई थी, पर ये सब टूट टाट के अब इतनी सी बची हैं, थोड़ी बहुत मैंने दे दी थी। ये मैं खाटू श्याम जी गई थी, वहाँ से मैंने ये चूड़ियाँ ले ली थी, ली नहीं थी, किसी ने मुझे दिलाई थी, वही मेरे साथ में गए थे, उन्होंने मेरे को दिलाई थी ये चूड़ियाँ। और ये मेरी एक ब्लू बनारसी साड़ी है, उसके साथ की चूड़ियाँ हैं, और ये वाले उसके साथ में मैंने कड़े पहने थे साथ में। कड़े अच्छे लगते हैं, इनको सिंगल भी पहन सकते हैं या सेट बना के भी पहन सकते हैं। तो मैं अब आज सारे ग्रीन वाली चूड़ियाँ भी, मेरी बहुत पुरानी है पहले की, पर इनकी साइन बहुत अच्छी है, मैंने वीडियो में पहले आपको दिखाया भी था। और ये रेड वाली चूड़ियाँ हैं, ये भी दोस्तों मेरे पास लगभग सारी ज़्यादातर लाख की चूड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ लाख की चलती हैं, तो लाख की ज़्यादा है मेरे पास में। और ये बहुत पुरानी चूड़ियाँ हैं, एक टाइम पे ऐसी चूड़ियाँ चल रही थी बीच में ये लटकन वाली, तो उस टाइम की चूड़ियाँ हैं। ये भी रखी हुई है, इसका दो का सेट है, दोनों अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, तो कभी तो पहनेंगे ही। और इनको पहन के थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है। ये पतली पतली चूड़ियाँ हैं जो कभी भी आप पहन लो, रेगुलर में भी पहन सकते हैं। और ये है मेरी रेगुलर वाली चूड़ियाँ जो मैंने पहनी हुई है हाथ में, उन्हीं के सेट ही रेगुलर वाले मैं कोने में रख दूँगी, ताकि कभी भी मुझे पहनने हों तो आसानी से मिल जाए। और ये मेटल वाली चूड़ियाँ हैं, ये भी अच्छी रहती हैं साड़ियों के साथ में, रेड एंड गोल्डन बहुत अच्छी लगती है। और ये भी कई तरह के कड़े हैं, एक रानी कलर की मेरी साड़ी है उसके साथ की चूड़ियाँ हैं, ये लाख की चूड़ियाँ हैं, ये ऐसे कड़े टाइप के हैं, ये ऐसे ओपन हो जाते हैं वो वाली चूड़ियाँ हैं, और ये कड़े हैं एक जोड़ी। और अभी मेरी काफ़ी चूड़ियाँ पड़ी हैं और इसमें चूड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं, अभी मुझे एक ऐसा ही बॉक्स और लाना पड़ेगा, तब जाके चूड़ियाँ आ पाएंगी। पहले से मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है, पर अभी भी ये कम पड़ रहा है। अब मैं ना चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं लेके आऊँगी, पर मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मुझे चूड़ियाँ लेना बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं जब भी जाती हूँ लेके आ जाती हूँ। ये पूरा फुल हो चुका है, देखिए ये इस तरह से लग रही है। सारी चूड़ियाँ डालने के बाद भी अभी काफ़ी चूड़ियाँ बच गई हैं, ये बाहरी हैं, और एक बॉक्स तो पहले से बना हुआ है ये वाला, और अभी और भी दो डब्बों में हैं, और इसमें मैंने ऐसे सेट कर ली हैं। पर ये जो बाहर हैं
मुझे लगता है मुझे एक और लाना चाहिए था, पर मैं एक ही लेके आई। अभी कम पड़ रहा है, इस थैली में भी चूड़ियाँ हैं, तो अब इनको अभी तो फ़िलहाल के लिए इन्हीं डब्बों में डालूंगी। फिर देखते हैं कभी मार्केट जाता तो फिर दूसरा बॉक्स लेके आऊंगी। अभी तो मैंने सेट कर दिया है, कुछ ऐसा लग रहा है। दोस्तों आप भी इस तरह का बॉक्स ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी चूड़ियाँ देखिए ये बची हुई हैं, और एक इस बॉक्स में है और इस थैले में बची हुई हैं, और एक तो ये सेट हो ही रखा है पहले से, काफ़ी पुराना है। ये देखिए अच्छी लग रही है ना, मस्त लग रही है ना। दोस्तों आज देखो माही ने चाय बनाई है और अच्छा कलर भी आया है। और कभी कभार ना माही चाय बना देती है, आज माही ने बनाई है और पीने में पी के देखती हूँ। काफ़ी टेस्टी बनाई है, सब कुछ परफेक्ट है और अदरक का भी मस्त टेस्ट आ रहा है। गुड, अच्छी चाय बनी है। दोस्तों शाम का टाइम है और मैं माही के लिए कपड़े लेने के लिए चली गई हूँ, क्योंकि राखी आने वाली है तो इसके लिए ड्रेस नहीं लिया था, इसलिए ड्रेस लेने गए हैं। शॉप पर जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ कपड़े पसंद नहीं आए और हमें ये टी शर्ट ही पसंद आई, तो हमने ये टी शर्ट देख ली है और देखते हैं। दो टी शर्ट अच्छी लग रही है, ये लेके जाते हैं। अब जीन्स का तो साइज़ काफ़ी बड़ा था तो इसलिए फिर जीन्स ली नहीं, और बाकी कपड़े तो इतने पसंद नहीं आए तो इसलिए जीन्स तो काफ़ी बड़ी लग रही थी, तो पहले की जीन्स ही हम ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स अब मैं दिखाती हूँ मैं कौन कौन से न्यू टॉपर और टी शर्ट लेके आई हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक टी शर्ट है, टॉपर ही है, टॉप क्रॉप टॉप, क्रॉप टॉप है, अच्छा लग रहा है, अच्छा 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 है। और एक न्यू टॉपर है दूसरा, ये भी क्रॉप टॉप है, ये इससे थोड़ा अलग है, शॉर्ट लेंथ का है नहीं है। ऐसा कुछ आए हैं, दो लेके आए हैं, लाना तो एक ही था पर फिर दो पसंद आ गए तो दो ही ले आए। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, रेड या फिर डार्क ग्रीन। ठीक है दोस्तों, मैं भी एक साड़ी लेके आई थी, ये देखिए येलो कलर की है, और ये देखिए इसमें ऐसे पूरी साड़ी में ऐसे बूटे बने हुए हैं और ये लाइनिंग चल रही है, काफ़ी सुंदर साड़ी है ये। और इसमें ना ग्रीन कलर का ब्लाउज है इसके साथ में, ऐसे ग्रीन कलर का ब्लाउज आएगा और ये साड़ी बहुत सुंदर है। और एक सूट लेके आई थी, वो कुछ ऐसे कलर का है, ये देखिए इस कलर का सूट है, पर ये कुछ थोड़ा साइज इसका बड़ा है तो इसमें फिटिंग करवानी पड़ेगी। और इसकी पैजामी ये है, ये मैं अभी थोड़े दिन पहले मार्केट से ले आई थी, जब मैं अपने भाई के साथ मार्केट गई थी उस टाइम ले लिया था ये। ये देखिए यहाँ पर ना मैं डिनर की तैयारी करने लग गई हूँ, अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्जी। आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, देखो बना लिए हैं मैंने कोफ्ते, सच में खाने में बहुत टेस्टी हो रहे हैं और ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, पर ऐसे खा नहीं सकते, अब सब्जी पूरी बनेगी, तैयारी चल रही है। दोस्तों मुझे कोफ्ते बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर भी मैं आज इसे बना रही हूँ, क्योंकि लौकी माही खा ही नहीं रही है, कई दिन से पड़ी है तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पर चलो आज बना लेते हैं। ये देखिए रेडी हो चुकी है, अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो मुझे कॉमेंट करना। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।